चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 20 वोट पड़े, जिनमें से 8 को फर्जी तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात ये रही कि बीजेपी वोट चुराते हुए पकड़ी गई। अब चाहे चोरी का नजला अनिल मसीह पर गिराया जाएगा, लेकिन इस चोरी से भाजपा की मंशा जग जाहिर हो गई है। कहना है सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग का। प्रेम गर्ग ने कहा कि हद तो तब हो गई जब सरेआम चोरी करने के बावजूद भाजपा के सभी नेता और चोरी के साथ साथ सीना चोरी करते भी नजर आए। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने चोरी की है और अब ये लोग मसीह को सूली पर टांग देंगे। आज के ऐतिहासिक फैसले द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सच्चाई व लोकतंत्र का संदेश दिया है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। आज चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उससे आम आदमी का न्यायपालिका व्यवस्था में विश्वास एक बार फिर सुदृढ़ हुआ। इससे पता चलता है कि जो 30 जनवरी को अनिल मसीह ने वोटों में टिक लगाकर 8 वोटें इनवैलिड डिक्लेयर की थी, वो सारा जो धांधली हुई, वो धांधली जो है वो सारी वीडियो में आ गई। कहते हैं कि हर एक अपराधी कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है, और ये वीडियो से पता चला कि किस तरह से भाजपा की लीडरशिप ने और अफसरों ने मिलकर जो पब्लिक मैंडेट था, 20 वोटें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर को मिलनी थी, उसमें से 8 को इनवैलिड डिक्लेयर करके एक पब्लिक मैंडेट का मजाक उड़ाया गया और एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। मेरी ये मांग है कि ना सिर्फ अनिल मसीह पर कार्रवाई हो, बल्कि उन सब लीडरों और अफसरों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाएं, और जो भी इस षड्यंत्र में भागीदार पाया जाता है उसके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पहले भी जो मेयर इलेक्शन हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट की एक वोट तब के पदासीन अधिकारी ने इसी तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर करके आम आदमी पार्टी के मेयर बनने से रोका था और भाजपा के मेयर को गलत तरीके से डिक्लेयर किया था। तो इससे क्या होगा कि अब भाजपा को इसका सबक आने वाले 2024 के इलेक्शन में मिलेगा, और चंडीगढ़ की जनता पूरे मन से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।